दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की बैठक पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक भंडावी ने कहा कि हमारी आपातकालीन बैठक हुई, कलकत्ता में हमारी एक बहन बेटी के साथ जो हुआ उससे सब लोग रोष में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। अगर सरकार अभी नहीं जागी और इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों को सड़कों पर आना होगा। इसी मांग के साथ हमने शनिवार से रविवार 24 घंटे के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। यह आखिर जनता का ही मुद्दा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। भंडारी, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आज आपसे इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन ना करे। तो यही सोच के हमने अभी शुरुआत के लिए परसों शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है और कल हमारा प्रोटेस्ट डे रहेगा। कल शाम को हम इंडिया गेट पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। संडे शाम को 4:30 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि 100 वर्ष से पुराना प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है, एक प्रतीक है महिला शक्ति का, मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, वहाँ पे उसके मेन गेट से हम इकट्ठे होके जंतर मंतर, जो एक सिंबॉलिक है पार्लियामेंट का, उसकी तरफ हम मार्च करेंगे और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आखिर जनता का ही मुद्दा है। एक बेटी का देश के अंदर ऑन ड्यूटी पब्लिक सेवा में लगे होने पे और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुर्घटना हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। तो जो हो गया है उसके बाद आगे ना हो और इसमें प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर लिए जाएं, यही हमारी एक डिमांड है, उसके तरफ ही हम सब बात